तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू एंटरटेनिंग वीडियो। तो आज आपका भाई लेके आया फिर से एक एंटरटेनमेंट वीडियो। एक तरफ है प्लैटिना 2022 एडिशन और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भाग रही है, तो मैंने सोचा कि एक गियर चैलेंज वीडियो आपको जो है देना चाहिए और आपको इन्जॉय कराना चाहिए। तो एक तरफ है पल्सर 150 BS6 लेजेंड और दूसरी तरफ इसी का भाई, छोटा भाई है प्लैटिना 100 CC। ये चार गियर के साथ आती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिफाइनमेंट इंजन पहले से बजाज ने किया है। अभी मैं इसको चलाया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, बजाज इंप्रूवमेंट कर रहा है बट कुछ न्यू डिज़ाइन, न्यू लुक चाहिए अपने को। जैसे बाकी कंपनी कर रही है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दे रही है, तो बजाज को इस चीज़ का इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए इस पैडल को शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो है और काफ़ी ज़्यादा इसको सीरियसली मत लीजिएगा आप। हालांकि जब मैं स्प्लेंडर से इसको फोर्थ गियर चैलेंज किया तो स्प्लेंडर जो है टिक नहीं पाई, बट यही देखना कि क्या प्लैटिना फोर्थ गियर तक पल्सर 150 का अगल बगल भी रहती है या फिर चली जाती है। तो भाई हमारे चलाने वाले हैं, देख रहे हो एकदम पूरे भौकाल के साथ। तो इनका वेट 80 किलो, मेरा वेट है 70 किलो। तो इनको मैं पहले राउंड में पल्सर दे दूंगा और मैं प्लैटिना लूँगा और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए इस बैटल को शुरू करते हैं। This is the future. Evolution. This is the future. और मैं पूरी गियर लगा दूंगा, इनको बोला मैं कि चार ही गियर लगाइएगा, फिर देखता हूँ प्लैटिना। और ब्रेक मत मारना, ब्रेक नहीं लेता हूँ भाई, दब पीछे दिखता है भाई जब ब्रेक लेते हो तो दब जाता है भाई। और ऐसे चलाओगे तब तक गाड़ी रुकेगी तक हो। हाँ चलो रुके रहो, हम दो एक रुके रुको फिर से दो यार। 120 माँ की आंख, 120 गई इतना, 120 पूरा काटाटा छोड़ आओ रिटर्न आओ, बंद मत करना। और तुम्हारी चौथे गियर पे ही थी ना, मैं बोला था कि ये प्लैटिना भाई स्प्लेंडर के तुलना में मैं जान रहा हूँ ना, ये प्लैटिना है। और देखा काफ़ी अच्छा दोस्तों, टक्कर दे दी और आगे भी गई प्लैटिना। हालांकि इनका वेट 80 kg है ना, 80 किलो का है, मैं 70 kg का हूँ, उसके बावजूद भी 70 किलो को लेकर उसके बाद चौथे गियर पर हरा दी पल्सर को। तो इससे पता चलता है कि स्प्लेंडर इसके सामने नहीं टिक पाएगी। तो एक बार और राइडर चेंज कर लिए हैं और अब देखते हैं। चलो Thank you.
मैंने आपको बोला था कि प्लेटिना जो है प्लेटिना है भाई। हाँ अच्छा नहीं ऐसा है ना, थोड़ा लॉन्च का भी सिस्टम है यहाँ पे, शुरुआत तो जो आगे निकल गया फिर निकल गया, और तुम्हारा लॉन्च थोड़ा है गड़बड़। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे चौथे गेयर प्लेटिना ने बीट कर दिया पल्सर को, हालांकि मैं भी कभी नहीं सोचा था 120 चली गई है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया प्लेटिना। हालांकि अगर राइडर्स की स्किल हुई तब तो भाई मुश्किल है, जैसे अभी आपने देखा, तो फिर भी एक बैटल देखने को अच्छा मिला कि भाई स्प्लेंडर से तो फास्ट ये है, और 100cc में भाई क्या बताएं, मज़ा आ गया यार। बेझिझक प्लेटिना लीजिए, एवरेज भी सही है इसका और पिकअप भी बहुत शानदार है, और अपनी पल्सर चौथे गियर चैलेंज के साथ हार गई और जीत भी गई। तो आई होप ये बैटल में आपको मज़ा आया हो, इस परफॉर्मेंस ट्रैक रेस इंटरटेनमेंट वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसे लगी। तो लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।